शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। परेशान लग रही हो? हमारा वो शो स्टॉपर आउटफिट, वो ड्रेस हमें कहीं नहीं मिल रहा है। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, हम करें तो क्या करें? गायब हो गया? मेरी बात ध्यान से सुनो गौरव, और ये कॉम्पिटिशन दोनों ही नहीं जीतोगे तो। हम जग हसाई से बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम डट कर कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले मैं आप सबका हमारे कंटेस्टेंट्स यानी कि हमारे टैलेंटेड डिजाइनर्स से एक एक करके परिचय करवाऊंगा। तो पहले कंटेस्टेंट का नाम है दिव्या। क्या हुआ गया ना? दरअसल हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये डिजाइन आज के जमाने की नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि गहना आपको पता नहीं है, अब दुनिया की ऐसी पहली डिजाइनर है जिसने इतने कम समय में ये शो स्टॉपर का आउटफिट रेडी किया है। सोचिए कितनी टैलेंटेड हैं आप। वो तो ठीक है वंश जी, लेकिन आप हमारी बात नहीं समझ रहे। आप नहीं समझ रही हैं। देखिए मुझे सब समझ में आ गया है। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर बात ट्रेन की करें तो बाकी जैसे डिजाइनर बना रहे हैं वही आप सेम चीज बनाओगी तो फिर आप अलग कैसे लगोगे? हमने आपकी यूनिकनेस पे इन्वेस्ट किया है, चलिए किसी और के लिए ना सही हमारे लिए कर दीजिए। अपने इन्वेस्टर के लिए देखिए मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाएंगे, लेकिन काम करने वाले काम करेंगे। राइट, परेशान मत होइए, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मेन शो शुरू होने में अभी एक घंटा है, अभी आपको फाइनल रिहर्सल के लिए जाना है, चलिए जल्दी आ जाइएगा। ये जो उर्वशी मैडम, इसने तो दूसरा बना लिया, वो भी इतनी जल्दी, हम क्या करेंगे? स्ट्रेस मत लो झुमकी, दूसरों को स्ट्रेस देना सीखो, और ये मत भूलो कि मेरे पास हमेशा कोई दूसरा प्लान होता ही है। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में ये गांव वाली मेरे साथ रैंप पे वॉक ना करे, बस। यू आर द बेस्ट। सारे डिजाइनर्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन डिजाइनर गहना और उर्वशी यहाँ नहीं है। हे महादेव, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है, हमारी रक्षा करना। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं हमारे डिजाइनर्स जो अब तक स्टेज पर नहीं आए, कहना पता नहीं कहां चली गई। समझाया तो था उसे, हो सकता है थोड़ा नर्वस हो रही हो, आ जाएगी। कॉम्पिटिशन, और वो भी उर्वशी चौधरी से। अब जब तुम ही नहीं बचोगी
तो फिर ये कॉम्पिटिशन कैसे जीतोगी कहना? तो यहां भी नहीं है, कहां चली गई होगी? जी हाँ, महेंद्र जी का ही काम है। देखिए, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सब हम देख लेंगे। मेरा मुंह क्यों देख रही हूं? जल्दी निकलो यहां से। हाँ। आप बाहर क्यों नहीं आए? आप लोग ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो क्या है ना, शो का थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। So, तुम यहाँ क्या कर रहे? कुछ चाहिए? वो एक मॉडल का ब्रोच नहीं मिल रहा था, तो वही लेने आए थे। शायद इस अलमारी में होगा। हम देख लेते हैं। ये ढूंढ रहे थे ना? हम इससे भी काम चल जाएगा। ओके। और कुछ? जी नहीं। तो जाओ गौरव, मॉडल को रेडी करो। हाँ। हम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सभी डिजाइनर्स को उनके मॉडल्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन पूरी करके शो के लिए रेडी रहे।
बात क्या है? ये अपने खुद के कॉस्ट्यूम्स को लेकर ऐसे मुस्कुरा रही है, डांस कर रही है। लगता है खुशी में पगलाई गई है। कुछ तो गड़बड़ है और वो गड़बड़ इसने खुद फैलाई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो इसका मूड ऑफ था और अब ऐसे मुस्कुरा रही है। पता करना पड़ेगा। अरे उर्वशी दीदी, आप इतनी खुश नजर आ रही हैं, जैसे कंपटीशन होने के पहले ही आप कंपटीशन जीत गई हो। कुछ तो गड़बड़ की है उर्वशी ने जरूर। लिसन, ये रिफ्रेशमेंट किट गहना मैम के लिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये तुम यही रख दो, जब वो आएगी तब हम दे देंगे। जाओ। और अब बारी है डिजाइनर उर्वशी के मॉडल्स की। लेडीज एंड जेंटलमैन, और अब लेडीज एंड जेंटलमैन डिजाइनर गहना के मॉडल्स की बारी है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। गहना, आप कहां हैं? पर डिजाइनर गहना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई देगी भी कैसे? सुनो इधर। यस सर। गहना कहाँ मिल नहीं रही है, ढूंढो उसे। गहना मैडम मिल नहीं रही है, हमने हर जगह ढूंढ लिया। एक बार और चेक करो आप। ओके सर। साइलेंट मोड। फोन क्यों नहीं उठा रही है? भगवान करे वो ठीक हो। गहना शायद बिजी होंगी, तो हम शो शुरू करने जा रहे हैं। गौरव, गहना को देखा क्या? नहीं, होगी यहीं कहीं। वो मिल भी नहीं रही और फोन भी नहीं उठा रही। खैर मैं देखता हूं। अपने गहना को कहीं देखा? नहीं तो गहना को हमने कहीं नहीं देखा। कहीं मिल नहीं रही है। शायद वो ग्रीन रूम में होगी। ठीक है, हम जाकर देखते हैं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? आखिर गहना कहाँ है, आ क्यों नहीं रही है? वो गहना कुछ पता चला? नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कभी ऐसा करती तो नहीं है। ठीक है, हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर मिले तो हमें कॉल करना। ओके। मैडम, आपने गहना को कहीं देखा क्या? नहीं, मैं क्यों देखूंगी उसे? गहना कहीं मिल नहीं रही है। तो होगी कहीं गौरव, आज इतना बड़ा दिन है, तुम अभी भी गहना के बारे में सोच रहे हो? और मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम? जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, जाओ।
प्यार तुम इसे दे रहे हो ना, ये लड़की उसके काबिल नहीं, मर जाने देना चाहिए था इसे। क्या हुआ? कहीं आपने गहना के साथ कुछ? रियली गौरव, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है कि मैं गहना को गायब करते फिरूं? लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट काम है उससे बढ़कर करने के लिए। और बात को समझो, जाके रेडी हो तुम, कहाँ तुम इन सब चीजों में पड़े हुए हो। जितना ढूंढना है गहना को ढूंढ लो गौरव, पर वो तुम्हें मिलेगी नहीं। गहना कहाँ हो तुम? शो शुरू हो चुका है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी बारी आने वाली है गहना, तुम अपने करियर को लेकर इतनी लापरवाह तो नहीं हो सकती। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो? चाहे कुछ भी हो जाए गौरव, गहना तक तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। उर्वशी मैडम, वो जो मॉडल है ना, वो कह रहा है इसे ये वाला गहना पहनना है। अब जल्दी से बताइए ना। शट अप, जस्ट शट अप। लेकिन हुआ क्या? इस गहना का नाम ना दोबारा मत लेना, इसे ज्वेलरी बोलो, ज्वेलरी। ठीक है, उसे ये वाली ज्वेलरी पहननी है। ये सब काम छोड़ो और गौरव के बारे में पता करो कि कहीं वो गहना उसे मिल ना जाए। अगर गहना उसे मिल गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वहां वो वंश उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। हमें फैशन शो की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया ना, हम जी नहीं पाएंगे। आपको एक बार और हम नहीं खो सकते चांदनी। चांदनी नहीं गहना, गहना कहाँ हो आप? है आप, सुनिए, आपने गहना को कहीं देखा क्या? नहीं, अभी तक नहीं सर। अरे दामाद जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, और ये आपका है ना? अभी तक तो आपको तैयार हो जाना चाहिए था, नेक्स्ट टर्न आपका ही है ना? हम तो बस गहना को ढूंढ रहे थे, उसे ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहे थे। वो मिलेगी तो तभी ऑल द बेस्ट बोलेंगे ना। क्या गहना कहीं मिल नहीं रही? कहीं ये काम उर्वशी दीदी का तो नहीं है? हमारा शक सही तो नहीं कि उर्वशी मैडम ने, लेकिन अगर उनकी चाल है तो भी गहना को ढूंढने का और कैसे? गहना कहाँ है? किसान भैया का पता तो, अगर गहना को कुछ हो गया ना तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। बस आप ही का भरोसा।
डिजाइनर गहना प्लीज स्टेज पर आइए, हम लोग और इंतजार नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें आपको इस प्रोग्राम से डिस्क्वालीफाई करना होगा। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।